माशाल्लाह मोहम्मद मोहम्मद हुसैन को आप समाप्त कर रहे थे। मुझे प्रोग्राम की दूसरी नशिस्त का तिलावते कुरान मजीद फुरकान हमीद से आगाज कर रहा है। नाद सुन के सुभान अल्लाह कहना कमाल, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये दुनियादार का लिखा हुआ कलाम है। किसका? दुनियादार का। नाद जो लिखता है शायर लिखता है, मगर जिस हस्ती को मुझे दावत देनी है उसने उस रब का लिखा हुआ कलाम पेश करना है जिसे कुरान मजीद कहते हैं। जिहड़ा बंदा कुरान को प्यार करता है सारे कुरान वाले ने एक बार ईमानदारी नाल अल्लाह के घर से बैठ के जी दुआ मैं देना, अल्लाह सोने इस महफिल में अगर कोई बीमार है उन्हें बीमारी करबला का सदका शिफा दे, अगर कोई बे औलाद है तुझे वास्ता जहरा की जोड़ी का उसके औलाद दरी ना अता कर, अगर कोई इस महफिल में बेजर है तुझे वास्ता हजरत सलमान फारसी का उसे जर अता कर, अगर कोई उस महफल में मदीना पाक की हाजिरी के लिए तड़प रहा है मचल रहा है बेकिराते करार है या अल्लाह उसे मदीना पाक की हाजिरी अता फरमा, मगर जो कुरान सुन के दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे मौला दुनिया में किसी का मोहताज न करना। कुरान वाला एक मरतबा जरा दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में बोले सुभान अल्लाह। चादर लैके ना चादर लैके इंज करके बह गए जिवें पता नहीं आसमान तो बारिश डिगदी पई है। भाई मुहम्मद का कुरान पढ़िया जा रहा है, हजूर की नात पढ़ी जा रही है, जरा ज़ौक के नाल बैठो। खादम हुसैन रिज़वी तुहाडे सामने जिउंदा मिसाल है, जिउंदा लत्तां तो बाज़ूर है चल नहीं सकता, कुफर की अग में अक पा के दोवें हाथ चुक के फैजाबाद धरने दे विच और जिथे जनवरिया के दिन लोगों ने अपनी कमीज़ां उतार के हजूर का नाम बुलंद किया, चादर वलेट के बह गए जी जिवें पता नहीं असीं इत्थों कोटे जाणा है। हजूर की नाम से बोलो अल्लाह की कसम है, जो बंदा कहता नहीं मैं नहीं बोलता मैं नहीं बोलता हर बंदे ने मर जाना है, जो कबर से जाना ना कबर तो फिर पछताना है, काश कुछ लम्हा मैं हजूर के नाम पे और कुरान पे बोला होता। जो कपड़े पे तू नाश कर रहा ना बेटा उतना शोर, जो कपड़े पे तू नाश कर रहा ना कपड़े इमाम साहब पुछो थोड़े सामने मिसाल है यकीन किसी का अबू किसी का भाई जिस कपड़े से तू नाश कर रहा ना नाश अज इस बड़ी कोठी से नाश कर रहा है जो मर जाना है ना तेरे कपड़े भी तेरे घर वाले ला लेने। अजी मेरी तो काटन बड़ी गल है, मेरा घर बड़ा व्डा गड्डी बड़ी वही इतों तक कि कपड़े लैने नहीं ना तो पुत्र ने कह रहा है हजरत साहब कपड़े लेंदे नहीं इन्होंने कैंची कट के फर्क करो फटे तो पा देना फिर बुकी लप्पी मिट्टी पानी ढेर कर लो उशेरा पढ़ दरूद घर जाते फिर नहीं पाते फेरा कब्रिस्तान चले जाओ थोड़े तो बड़े बड़े आधा लोग जोड़े कहते थे असं मरना ही नहीं जमीन साढ़े पैर थले मेरे को जायदाद बड़ी पैसा बड़ा अज वो भी मिट्टी के मिट्टी होए पैने। आओ अजीजा जी मोहतरम एक बार एड्डी सोहनी सुहाड़ा फरमाओ अल्लाह की कसम दिल खुश हो जाए पता चल जाए कि मैं इकबाल नगर मस्जिद गुलजारे हबीब के बैठा जरा बंदा हूँ भी चादर चो हाथ ना कटे मैं उन्होंने सारी रात दोबारा तंग करना ही नहीं क्योंकि वह सिर्फ महफल देखने आया महफल महफल का हुसन बन नहीं आया एक बार हाथ दोवे गए इन उच्चे करो सारे और मिल के बोलो जरा सुभान अल्लाह आवाज पूरे इकबाल नगर में घूम जानी चाहिए और उच्च बोलो सुभान अल्लाह। सुरमा बना हुआ जेडे मोहम्मद के नाम से बोलते बोलो पता लगे मिला दे बोलते रहो मैं दावत दे रहा हूँ दो से चार मिसरे पढ़ के इसी अंदाज में परवाज से कर लगा कि सुनना चाहते थे शायर बोला
कि कोई कहता गल्ला ते बातां दा दौर है। मैं जो आपने हाथ उठाए हैं ना, खुदाबंदी है कि जब कुरान पढ़ा जाए बच्चों के लिए जो शोर कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म, मेरी तौबा, अल्लाह का हुक्म, हुक्मे खुदा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम पे लाजिम है अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठो और कुरान सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। बंदा रहम चाहता है, बिल्कुल अपनी गल ना करो, कुरान सुनो, महफिल च जौक पैदा करो। आओ मैं एक रुबाई पढ़ रहा, इस में थोड़ा जौक चेक कर रहा, कि परवास से थोड़ा जौक पहुंचे है। इको बंद रहन दी, मैं इन्होंने तेरा सुभानला सुना, देखा बंदे कितों तक पहुंचे ने, परवास कितने चली गई। मैं इन गल् सुनाइया, महफिल थोड़ी जी माहौल बन जाए। मैं कह रहा वा, मेरी मैंने वेखना जरा, मैं कह रहा कोई कहता गलों से बातों का दौर है। चार बिस्तरे पढ़ते हैं तो मैं वेखना कहड़ा बंदा इस मिलाद के बैठा है और हाजिर है। शायर बोला कोई कहता गल्ला ते बातां दा, कोई कहता गल्ला, कोई कहता गल्ला, मैं कर रहा, कोई कहता गल्ला ते बातां दा दौर है, कोई कहता गल्ला ते बातां दा दौर है, कोई कहता गल्ला ते बातां दा दौर है, कोई कहता चंगिया बरातां दा दौर है, कोई कहता गल्ला ते बातां दा दौर है, कोई कहता दिन नूं वी रातां दा दौर है, कोई कहता चंगिया बरातां दा दौर है, कोई कहता दिन नूं वी रातां दा दौर है, कोई कहता जातां सिफातां दा दौर है, कोई कहता चंगिया बरातां दा दौर है। जे नासर तो पुछो तो सारे ने झूठे, फकत मुस्तफा दियां नातां दा दौर है। जात ते जरा जे नासर तो पुछो तो सारे ने झूठे, फकत मुस्तफा दियां नातां दा दौर है, फकत मुस्तफा दियां नातां दा दौर है। आखिरी दो मिसरे आपकी नज़र और फिर किबला साहब को दावत, ताकि आप कुरान सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं किबला एबटाबाद एक महफिल गया, एबटाबाद हवेलिया शहर में, मैं अल्लाह के घर से बैठा, जरा बंदा झूठ बोलता लानती, तो जरा मिंबरे रसूल के मस्जिद में झूठ बोले वो वर्गा लानती कायनात च नहीं हो सकता। एबटाबाद में बहुत बड़ी महफिल थी औलिया कुरान कॉन्फ्रेंस, जिसमें मिस्र से कारी आए थे, किबला कारी साहब मिस्र से कारी आए थे, मिस्र से। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, कारी रजा यूब ने तिलावत की, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुरान सुनते हुए लोगों का ऐसा ज़ौक नहीं देखा जो मैंने एबटाबाद में देखा। पीर सैयद आरफ शाह साहब वैसी की सदारत थी, मैं हजूर की कसम खा रहा हूँ, मिंबर के ऊपर बैठा हूँ, रजा यूब ने तिलावत की और पीर सैयद आरफ शाह साहब वैसी की सदारत थी। कारी साहब जो जो कुरान पढ़ते, बहुत बड़ी महफिल थी एबटाबाद में, और बंदे कुरान के नाम पे रो भी रहे थे और दिल खोल के सुभान अल्लाह भी कह रहे थे। ओ बंदा मैं एक गाना सुभान अल्लाह सुनाओ, जो बंदा कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहेगा, जी आवाज इन्हों की तिलावत चाहनी एक दफा सुनाओ वाला, कुरान सुन के केड़ा बंदा किवें सुभान अल्लाह कहेगा। अच्छा कई बंदे नहीं बोले, उन्होंने मुकद्दर है, तो मैं दावत दे रहा जो बोले ने इन्होंने वादा किया ये जरूर बोलना। मैं दावत दे रहा हूँ एक अजीम कारी कुरान को इन अशार के साथ, मैं दावत दे रहा हूँ और सुनना जरा, कि कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ। मैंने देखना जरा, एक स्टैंड लग जाएगा ताकि मैं दो मिसरे पढ़ लूं। कोई भी लम्हा, मैं इसको बंद करवाइए ताकि तुम मेरे मिसरे समझ आ जाए, कन्ना दे विच खूब ना मैं समझाना चाहना। कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, हुण मैनू वेखना जरूर, एक बार मैं जरूर वेखना, मैं कितों पढ़न लगा, मेरा अगला मिसरा मैं वेख के जरा। कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ, हम सिर्फ हजूर के दर के सवाली है। कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। आखिरी दो मिसरे, तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। आखिरी मक्ते से पहले जुमला सुनिए, कि कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ,
तू है यसरब को मदीन, कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा। इस मस्जिद में भी अजान पढ़ी जाती है, कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज बिलाली न हुआ। मक्ता सुनिए, मैंने हर दौर की तारीख में झंका फखरी, मैंने हर दौर की तारीख में झंका फखरी, कोई भी इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। आओ अजीजा ने मुहर्रम, इंतजामिया भी इंतजाम कर रही है, रात गुजर चुकी, बात भी बन रही है, नाच भी चल रही है, वो भी